हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो जैसा कि आपको पता है कि जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, और हालांकि नोटिफिकेशन नहीं है, एक कैलेंडर हम इसको कहेंगे कि एक कैलेंडर जो है वो जारी किया जा चुका है। किसके द्वारा? पीएनपी के द्वारा। इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं, क्या है बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षा अनुभाग 4 विषय दिया गया है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु संशोधित परीक्षा कार्यक्रम, यानी कि इन्होंने टेंटेटिव कहा है, ये फिक्स नहीं है जो इन्होंने कैलेंडर जारी किया है। और ये लिखा है कि इस संबंध उपर्युक्त विषय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्रांक दिनांक 22 फरवरी 2021 जिसके द्वारा आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की परीक्षा तिथि दिनांक 25 जुलाई 2021 प्रस्तावित करते हुए संशोधित परीक्षा कार्यक्रम संलग्न कर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है, कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु निम्नलिखित परीक्षा कार्यक्रम जो है यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें लिखा गया कि जो विज्ञापन है पूरा विज्ञापन कब आएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, इन सबके बारे में जो है 11 मई को जो है पूरा विज्ञापन आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए जो साइट खुलेगी वो 18 मई को खुलेगी और 1 जून तक आप आवेदन कर सकते हो, और आवेदन शुल्क जो है 2 जून तक हो जाएगा आपका। उसके बाद में फाइनल प्रिंट जो है आप 3 जून तक निकाल सकते हो, और 4 जून तक यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों के संख्या की सूचना ये सारी 4 जून तक होगी। उसके बाद में परीक्षा केंद्र जो है निर्धारित करने की तिथि जो है वो 15 जून होगी, और 17 जून को दिया गया है जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारक करके। ये सारी चीज़ें ये आपकी जिम्मे की नहीं है, आपकी मतलब का बस यही है कि 18 मई से आपका जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 1 जून है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, जो पेपर की डेट है वो 25 जुलाई है। हालांकि जितने भी कार्यक्रम हैं सब जो हैं टेंटेटिव हैं, ठीक है, जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं टेंटेटिव जितने भी दीजिए हैं वो दी गई हैं। आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो इसमें ये चीज़ें हैं, बाकी एलिजिबिलिटी क्या है इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि जो बेसिकली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो यही होता है कि अगर आप बीएड किए हैं, अगर आप डीएलएड किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारे जो हैं एलिजिबिलिटी एलिजिबल रोग होंगे। अब की बार देखना ये होगा कि क्या एनआउस वालों को मौका दे रही सरकार या नहीं दे रही है, ठीक है, इसके बारे में भी देखना है। और कोर्ट केसेस भी हैं, इलाहाबाद में भी कोर्ट चल रही केस चल रहा है, और हमारे यूपी यानी लखनऊ में भी चल रहा है इसका कोर्ट केस एनआउस का। तो देखना ये होगा अब की बार नोटिफिकेशन में कि क्या एनआउस का ऑप्शन उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज ये हमको देखना है कि इसमें जो है कि जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि जो डीएलएड वाले बच्चे होते हैं हर एक सेमेस्टर वाले आप दे सकते हैं, जैसा कि हाई कोर्ट में कहा गया था। अब देखना ये है क्या सारे सेमेस्टर को एक्सेप्ट कर रहा है या आपका सेकंड ईयर से एक्सेप्ट होगा। तो ये सब जब आ जाएगा हमारा नोटिफिकेशन 11 तारीख को तभी हम लोग कुछ इसमें देख सकते हैं। तो हालांकि अभी तो आपके पास ये एक गुड न्यूज है कि जहां तक अभी मोहर नहीं लग रही थी, अब शासन से मोहर लग चुकी है कि हाँ आप 25 जुलाई को पेपर करवा सकते हो। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।